हे गाइस, वेलकम बैक टू सुनीता फूड एक्सप्रेस। तो गाइस, आज का वीडियो सभी हाउस वाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं हर घर में ग्लास का चूल्हा होता है, तो अक्सर उसे धुलने क्लीन करने के लिए कई लिक्विड आता है, तो सभी के घर में मौजूद नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, कॉटन का कोई साफ कपड़ा उसको गीला कर ले, फिर उस पर आपको डिटर्जेंट पाउडर हो, चाहे आपको कपड़ा धोने वाला साबुन हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखें रफ़ कपड़ा बिल्कुल ना हो, कॉटन ही हो। फिर उसको साबुन लगाने के बाद या डिटर्जेंट लगाने के बाद कपड़े में आप गैस को अच्छे से हल्के हाथों से उसको इस तरीके से पोंछने के बाद फिर आप क्या करना है, उस कपड़े को फिर दोबारा क्लीन कर लेना है, फिर उसी से दोबारा एक बार और पोंछ लेना है। पोंछने के बाद जब आपका गैस चूल्हा थोड़ा ड्राई होगा, यानी कि पूरा ड्राई नहीं करना है, आप अच्छे से सुन ले ध्यान से, जब आपका चूल्हा थोड़ा सा ड्राई हो तो आपको क्या करना है, एक सूखा कॉटन का कपड़ा लेना है। ध्यान से सुने, सूखा कॉटन का कपड़ा। और एक बात का ध्यान मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको रफ़ कपड़ा यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये ग्लास है तो उसमें स्क्रेच पड़ सकता है। फिर देखिए, जैसे कि मैंने एक सूखा कपड़ा लिया है, उसको अच्छे से आप इसको डिप हाथों से इसको इस तरीके से पोंछ दे। तो गाइस, आप देख सकते हो ये मेरा गैस चूल्हा जो है वो कितना अच्छे से चमकने लगा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर देना। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बाय बाय एंड टेक केयर।